दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे मुख में जो लार बनता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है दोस्तों, जो हमारे भोजन जो हम करते हैं तो वो लार जो है मोटा होता है, लेकिन लार चिकना भी होता है। और लार यदि हम अंदर लेते हैं तो लार के द्वारा हमारे शरीर की पाचन शक्ति बढ़ती है। और भोजन यदि हम लंबे समय तक कहते हैं, 32 दांत होते हैं, तो 32 बार यदि किसी भोजन को हम चबा करके लेते हैं तो भी हमारा भोजन बहुत अच्छे से हजम हो जाता है। और जिसको भी भोजन पचने की समस्या है उसके ही सबसे अच्छा रीजन ये हो सकता है कि वो 10 बार, 16 बार या 32 बार भोजन को चबा करके यदि वो खाता है तो निश्चित रूप से उसकी पाचन शक्ति बढ़ेगी और खाया हुआ भोजन भी आराम से हजम हो जाएगा। अब क्या बता देता हूं मैं आपको कि आगे की जो प्रक्रिया होती है कि हमारा 90%, 99% पानी से ही हमारा लार बनता है, जो कि पाचन क्रिया में और शरीर के अन्य क्रियाओं में सहायक होता है। तो अभी क्या वर्तमान समय में हमारे बहुत से दोस्त भाई जो हैं लड़के जो पढ़ने वाले और जिनकी बुरी आदतों के कारण तंबाकू गुटखा का सेवन करते हैं और थूकते हैं, कहीं भी थूकते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि थूकने से आपके शरीर की जो एंजाइम है, टालिन नामक एंजाइम है और पाचन शक्ति है, उसमें कुछ कहीं ना कहीं आपको क्षति हो रही है। लेकिन यदि हम अपने शरीर का मूल्य करते हैं, यदि आप लंबे समय तक स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आप किसी भी प्रकार का नशा का सेवन ना करें। और भी बात बताना चाहता हूं दोस्तों कि हम गुटखा तो खाते हैं, लेकिन गुटखा खाने के बाद उसका जो लार बनता है उसको हम थूक देते हैं, तो हमारी जो हजम होने की खाना हजम होने की जो शक्ति है वो धीरे धीरे नष्ट होती जाती है। तो हम ऐसे चीजों से बचें जिसके कारण हमारा जो है नशा के कारण हमारे शरीर को नुकसान होता है, ये चीजों से हमको कैसे बचना चाहिए, इसके लिए आपको स्वयं इसका बचाव का उपाय सोचना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि एक दिन में व्यक्ति का 1 से 1.5 लीटर लार बनता है, लेकिन लार को आप अच्छा लेकिन रात में सोते समय इसकी मात्रा 0 हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति जब सो जाता है तो उसमें लार बनने की क्रिया समाप्त हो जाती है। वैसे ही जब सुबह उठता है तो फिर से जैसे सुबह उठेगा, पानी पिए, मंजन करेगा, तो फिर जो है लार बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये एक प्रक्रिया है। लेकिन मैं जो कहता हूं दोस्तों कि हम जितने भी तम्बाकू या गुटखा नशा पानी करते हैं जो मुख से संबंधित है, तो उनका सेवन यदि हम नहीं करेंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे और पर्यावरण के लिए भी स्वच्छता होगी और हमारा शरीर भी सही रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो इस विषय पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है दोस्तों। नमस्ते। यदि सुझाव अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।